आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के उत्तर में बहने वाली घाघरा जैसे जैसे घट रही है अपने तटवर्ती क्षेत्रों में कटान तेज कर दी है। अब तक दिवारा खास राजा के तीन पुरवे मुरारी का पुरवा, त्रिलोकी का पुरवा और भीमली के पुरवा घाघरा में विलीन हो चुके हैं। खाना पकाने के लिए जगह नहीं है। मवेशियों के चारे का संकट छाया हुआ है। हर वर्ष बाढ़ के कहर से नदी के किनारे बसे गाँव के लोग परेशानियों से जूझते रहते हैं। हर बार अपना घर बनाते हैं लेकिन बाढ़ उनके अरमानों पर पानी फेर देती है। इस वक्त एक दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं जिनके मकान पक्के हैं वह घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं। गरीबों की झोपड़ियों में पानी भरा है। ऐसे हालात में बुधवार को प्रखर सामाजिक सेवा समिति ने दिवारा खास राजा के बघावा में हो रही कटान का दौरा किया। वह जिन लोगों का मकान घाघरा में विलीन हो चुका है उन लोगों को कपड़े, मास्क, फल, साबुन, सैनिटाइजर देने का कार्य किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए प्रबंधक राजवंत सिंह ने बताया कि लगातार हो रही कटान से देवरांचल के लोगों की सैकड़ों एकड़ जमीन घाघरा में विलीन हो चुकी है। बाढ़ आने से लोगों की मुख्य फसल गन्ना तथा धान बुरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। इस मौके पर प्रभ सुमन सिंह, अमित लता सिंह, फुरकान खान, दीपक सिंह, शहनवाज खान, रविंद्र कुमार, नीतीश जायसवाल, वंदना पांडे, विमला देवी, लकी श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। मैं श्रीमती अंजना सिंह, पौत्रवधु वीर चक्र विजेता शहीद सौदागर सिंह और प्रखर सामाजिक सेवा समिति की प्रदेश सचिव। आज आप लोगों के द्वारा किस तरह का कार्य किया है? आज हम लोग गए वहाँ देखने, बाढ़ क्षेत्र में गए। वहाँ पे बहुत ही दयनीय स्थिति है। कटान हम लोग के सामने ही दो बार लगभग जमीन कट के नदी में विलीन हो गई है। वहाँ पे 90 घर थे। वहाँ के लोग बता रहे थे कि वो लोग बहुत सुखी और संपन्न थे लेकिन इस टाइम उनका घर बार कुछ भी नहीं है। सारा सामान सब बह गया है। झोपड़ पट्टी डाल डाल के रह रहे हैं। उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। वहाँ जाके हम लोगों ने उनका हाल चाल पूछा। बेचारे रोने लगे अपनी दशा बता के। और कपड़ा, सैनिटाइजर, मास्क और साबुन, ये सारी चीज़ें उन लोग को हमने दिया। जो हमसे बन पड़ा हमने किया, हमारे संगठन ने किया। और ऐसे ही हम लोग हमेशा मदद करते हैं समाज में। जिसको भी ज़रूरत पड़ती है हम लोग मदद करते रहते हैं। लगातार हमने देखा कि आप लोगों के द्वारा उस क्षेत्र में दौरा किया जा रहा है, सामान वितरित किया जा रहा है। क्या आगे भी इस तरह के कार्य जारी रहेंगे? जी हाँ, हमेशा जारी रहता है। हर मुसीबत में हम लोग अपने संगठन के द्वारा मदद करते हैं और आज भी करते रहेंगे। बाढ़ क्षेत्र का दौरा करते रहेंगे और अनाज भी वितरण करने का विचार हम लोगों ने बनाया है। मैं राजवंत सिंह, प्रबंधक प्रखर सामाजिक सेवा समिति। राजवंत जी, आज आप लोग के द्वारा किस तरह का कार्य किया? देखिए, जो कटान जारी है देवारे में, वहाँ हम लोग गए थे। वहाँ लगभग 90 घर जो कि पूर्ण रूप से बह चुके हैं, वहाँ के लोग एक दूसरे के घर पर आकर रह रहे हैं। वहाँ हम लोगों ने आज कपड़ा, फल, साबुन, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि वस्तुएं वितरित किया। क्या लगता है ये कार्यक्रम आप लोगों का आगे भी चलता रहेगा? हाँ, ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। जैसे जैसे आवश्यकता समाज को पड़ती है, प्रखर सामाजिक सेवा समिति सदैव खड़ी रहती है। जिस तरह चाहे वो कोरोना काल का समय रहा हो, उसमें भी हमारा कार्यक्रम चला। बाढ़ क्षेत्र में जहाँ पे जनता परेशान है, वहाँ भी हमारे संगठन के लोग लगातार जा रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं।